हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द प्लेटफॉर्म टीचिंग परीक्षा। टीचिंग परीक्षा के इस मस्त प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहुत बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं कि मैम, हमारा सीटेट का एग्जाम हो गया है, हमारा सीटेट का रिजल्ट भी आ गया है, बट हम सीटेट के सर्टिफिकेट को और सीटेट की मार्कशीट को कैसे डाउनलोड करें। तो आप सीटेट के सर्टिफिकेट को और सीटेट की मार्कशीट को डिजी लॉकर से डाउनलोड कर पाएंगे। जी हाँ, डिजी लॉकर से मैं आज आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से आप सीटेट के सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं, सीटेट की मार्कशीट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, जो भी बच्चे बिहार ट्री 2.0 की तैयारी कर रहे हैं और जो भी बच्चे बिहार ट्री 2.0 में जो बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं, वहां पर सीटेट के मार्क्स और सीटेट का एग्जाम कब हुआ, कब डिक्लेयर हुआ, ये सब इन्फो आपसे वहां पर पूछी जा रही है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आपने डिजी लॉकर की मदद से किस प्रकार से आप आसान तरीके से अपना सीटेट के सर्टिफिकेट और सीटेट की मार्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने डिजी लॉकर का, आज जब भी आप प्ले स्टोर पे जाते हैं, अगर आप फोन से डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको प्ले स्टोर पे इस आइकन का ध्यान रखना है। यही आइकन आपको मिलेगा प्ले स्टोर पे, वहां से आप डिजी लॉकर डाउनलोड करेंगे। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आप लिखेंगे डिजी लॉकर और फिर उसके बाद आप डिजी लॉकर को यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो दोनों ही तरीके से आपका प्रोसेस सेम ही रहता है। मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया कि अगर फोन में जाएंगे तो आपको वैसा जो आइकन मैंने आपको दिखाया था वो मिलेगा, और अगर आप गूगल से खोल रहे हैं तो आप यहाँ पर डिजी लॉकर लिखेंगे www.digilocker.government.in। उसके बाद आपने अगर अभी तक साइन इन नहीं किया है तो आप सबसे पहले तो साइन अप करेंगे। साइन अप में वो आपको आपके जो आधार कार्ड नंबर है वो मांगेगा, आपका आधार कार्ड में कौन सा नंबर आपका रजिस्टर्ड है वो मांगेगा, और फिर आसान स्टेप होते हैं, आप वहां से साइन अप करेंगे। वहां से आप एक कोड भी डालेंगे, एक पासवर्ड भी डालेंगे, जिसकी मदद से जब आप साइन अप कर लेंगे तो उसके बाद आप डायरेक्ट जाएंगे साइन इन के ऑप्शन पे, ठीक है। और जिन बच्चों ने पहले से ही साइन इन कर रखा है उन सभी बच्चों को दिक्कत नहीं है। आप अगर अपना पासवर्ड भी भूलते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आपको बताऊंगी कि जब आप साइन इन कर चुके होते हो उसके बाद आपने क्या करना है। देखिए, आप जब भी डिजी लॉकर खोलते हो फोन में तो आपको इस तरीके का प्रीफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर लिखा होता है गेट स्टार्टेड। जब आप इस गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं तो आप साइन इन के ऑप्शन पे चले जाएंगे। साइन इन पे यहाँ पर वो आपसे आपका मोबाइल नंबर और आपका यूजर नेम मांगेगा। आप अब मोबाइल नंबर या फिर आधार कार्ड नंबर आप जो मर्जी लिख दीजिए। यहाँ पर मैंने लिखा अपना मोबाइल नंबर, फिर जो आपने 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन डाला था वो आपसे वो सिक्योरिटी पिन मांगता है। वो अगर आप सिक्योरिटी पिन भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन पे क्लिक कर देंगे और फिर आपको वो आपका जो आधार कार्ड पे जो आपका मोबाइल नंबर, जो कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो आपके आधार कार्ड पे जो रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर पर वो आपको ओटीपी भेज देगा। वही ओटीपी को आपको यहाँ पर डालना होता है। जब आप यहाँ पर ओटीपी डालेंगे तो आपका पूरी तरीके से ये वाला पेज खुल जाता है। यहाँ पर मैंने श्रेया कुमारी का पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके का प्रीफेस आपके सामने खुल के आता है, जहां पर वो आपका आधार कार्ड बताता है और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने गवर्नमेंट को सबमिट कर रखे हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स वो आपको यहाँ पर आपके दिखाना शुरू कर देता है। मैं अगर बात करूँ, मैं यहाँ पर ढूंढ रही हूँ अपना सीटेट का सर्टिफिकेट, यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और आप सभी को मालूम है जो सीटेट का सर्टिफिकेट है, जो सीटेट का एग्जाम है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, यानी कि केंद्रीय सरकार के अंदर आता है। तो आपने जब आपके सामने ये वाला प्रीफेस खुलेगा उसके बाद आपने साइड में जाना है और यहाँ पर आपने सर्च डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। बिल्कुल साइड में जाएंगे, होम लिखा होगा, सर्च डॉक्यूमेंट पे जब आप क्लिक कर देते हैं उसके बाद यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ पर आएगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट।
सबसे ऊपर लिखा आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई लिखा होगा। जब आप इस सीबीएसई पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ इसके सीबीएसई के नीचे ही आप जाएंगे तो आपको 10th का आपका स्किल सर्टिफिकेट, 12th का एप्रिसिएशन स्किल, 12th 10th का ये सब सर्टिफिकेट सारे मिलेंगे। आप अगर नीचे नीचे जाएंगे तो आपको नीचे मिलेगा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मार्कशीट। आपको जो भी निकालना है आप सीधा इस पे क्लिक करें। जो आप सीधा इस पे क्लिक करते हैं तो वो यहाँ पर आपसे आधार कार्ड का आपका नाम, आपका रोल नंबर और जिस भी ईयर का आपको निकालना है आप देख सकते हैं। क्यों मैंने आपको आज ही वीडियो बनाया, बिकॉज अब आपका डिजी लॉकर पर आपका सीटेट का सर्टिफिकेट अवेलेबल है। तो 2023 में जो आपने अगस्त का दिया या इससे पहले भी जो भी आप यहाँ पर एग्जाम क्लियर कर चुके हैं सीटेट का, वो कोई भी सर्टिफिकेट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आप सबसे जिसमें आपके सबसे बढ़िया नंबर है आप वही निकालिए। एज सच मैंने यहाँ पर निकाला 22 का, दिसंबर 2022 का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, मैं यहाँ पे मंथ को सिलेक्ट करूंगी, यहाँ पे अपना रोल नंबर डालूंगी और फिर जो मेरा अगला प्रीफेस खुलेगा वो होगा मेरा, यहाँ पर मेरा आधार नंबर डाला मैंने, यहाँ पर मेरा रोल नंबर डाला मैंने और फिर मैंने यहाँ पर डाला कि मुझे अगस्त वाला सीटेट खोलना है। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं क्योंकि आपका अगस्त वाला ही है। मैंने यहाँ पे डाला अगस्त वाला, मैंने यहाँ पे राइट लगाया क्योंकि जो मेरे द्वारा कंसेंट है वो ओके है और फिर मैं गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दूंगी, मतलब मैं इसको दबाऊंगी। जब मैं गेट डॉक्यूमेंट पे दबाऊंगी तो मुझे बिल्कुल क्लियरली जो भी मेरा डॉक्यूमेंट है वो मुझे क्लियर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको डेट भी मिल गई है, किस दिन आपका ये आया है, 3/3/2023 को आया है। जो अगस्त वाले हैं उनको अगस्त की डेट, अगस्त में जब उनका एग्जाम हुआ था तो सितंबर में उनका जो रिजल्ट आया था उनको सितंबर की डेट मिल जाएगी। ये मैंने 2022 वाला निकाला है। तो इस बच्ची के 107 नंबर हैं और इसी तरीके से ही यहाँ पर मैंने आपको इसके, मतलब बिल्कुल आसान स्टेप है। यहाँ पर हमने मार्कशीट निकाली, आप लोग सर्टिफिकेट, ये दोनों ही बिल्कुल आसान स्टेप से आपका निकल जाएगा। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। डिजी लॉकर से बिल्कुल आसान है, जिन जिन बच्चों का साइन अप नहीं हुआ है वो लोग साइन अप कर लेंगे। आधार कार्ड अपने सामने रखिए, आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड नंबर है वो अपने सामने रखिए। सीटेट का सर्टिफिकेट निकालना है तो सीटेट का रोल नंबर आपको पता होना चाहिए। तो इन्हीं बिल्कुल आसान स्टेप्स की मदद से आप डिजी लॉकर की मदद से आप अपने सीटेट के सर्टिफिकेट को निकाल सकते हो। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आएगी। इन्हीं छोटी छोटी जानकारी के साथ मिलते रहेंगे आपके साथ, तब तक थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय। एंड जो भी बच्चे अब नेक्स्ट सीटेट, जो भी बच्चे अब 21 जनवरी को होने वाले सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो मुझसे मिलेंगे रोज सुबह 11:30 बजे, जिसमें मैं आपको सीडीपी के टॉपिक वाइज क्वेश्चन के साथ साथ कंटेंट एक्सप्लेनेशन भी करा रही हूँ। तो मिलते हैं रोज सुबह 11:30 बजे हमारे साथ। और जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमारे इंक्वायरी नंबर जो मैं आपको यहाँ पर लिख रही हूँ 9697888444 एंड 7611100101 पे कॉल कर हमारे जो भी हमारे बैचेस चल रहे हैं उनकी आप पूरी जानकारी हमारे साथ ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।